हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हिस्ट्री एबाउट चैनल में बहुत बहुत बड़ा स्वागत है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फॉर द यूनिट टू, दैट इज बिल्डिंग न्यू दिल्ली इम्पीरियल आइडियोलॉजी एंड अर्बन मॉर्फोलॉजी। कैसे ये जो इसका अर्बन स्पेस है वो कैसे बन रहा है, और इसके पीछे एक्चुअली में असली विचारधारा क्या थी कि दिल्ली बना ही क्यों, देखा जाए तो दिल्ली बना क्यों, दिल्ली की कैसा आर्किटेक्चर बन रहा है, दिस ऑल अबाउट दैट वी विल सी ओवर हियर। सो हम जब एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं तो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम कैलकटा। जब बात हो रही थी कि शुरुआत जब इसमें प्रॉपर दिल्ली बन क्यों रहा था, तो ये कैलकटा से ट्रांसफर कर रहे थे। तो एक हम देख रहे हैं एक स्पेशल प्रणाली है आर्किटेक्चर की, टाउन प्लानिंग की, जो ये लोग फॉलो कर रहे थे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब बंगाल दोबारा रीयूनिफाइड हो जाता है और कैपिटल ट्रांसफर हो जाती है, तो एक इस ये ऐसे ही हवा में बात नहीं हो रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंपीरियल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू एक्चुअली डिस्कवर कहीं ना कहीं स्टेबल पब्लिक ओपिनियन। स्टेबल मीन्स कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का पब्लिक ओपिनियन दैट समवेयर इट इज द वन वेयर इट इज यूज इट एज अ पिलर फॉर स्ट्रेंथनिंग द क्रम्बलिंग साइकोलॉजिकल सेंसिबिलिटीज, कि जो भी पहले लोग सोच रख रहे थे उसको खत्म करके एक नई सोच, एक नई धारा को शुरू करना। इस चीज में जो बंगालीज थे उनको, इन लोगों को कहीं ना कहीं वहां से अपोजिशन मिला। जो हार्डिंग है वो कहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट इन लोगों को शुरू करना था, सो कि अपना अपनी सिटी, एक तो मेट्रोपोल जहाँ पे जहाँ बहुत सारी कैपिटल है जिसका लंबा इतिहास है, वहां पे करना। और इन्होंने बहुत समझदारी से कहाँ पे शुरुआत करी, हमें पता था, हमने शाहजहानाबाद के बारे में, डू चेक आउट दैट वीडियो, हमने शाहजहानाबाद के बारे में बात की कि बहुत सारे सेंटर्स बन रहे थे, कैपिटल बन रहा था। तो शाहजहानाबाद में इन्होंने अपनी शुरुआत करते हैं, ये सारी कॉन्ट्रोवर्सीज कंडीशंस के बावजूद टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर इन सब में एक इम्पोर्टेंट लेट डाउन करके चलते हैं। अब इनको बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं री यूनिफिकेशन के, कि बंगाल को कैसे, बंगाल को कहीं ना कहीं एक न्यू कैपिटल बनाओ और कैलकटा को बोडोडोम बनाओ। सो इट्स समवेयर दे आर ट्राइंग टू इवन री यूनिफाई बंगाल। देयर आर टू थिंग्स दैट इज समवेयर दे आर कम्प्लीटली कमिंग विद दिस। एक चीज नहीं हो रही थी, दो चीजें साथ में इकट्ठी हो रही थी। पहली, दे वॉन्टेड कि दिल्ली में कैपिटल इस्टेब्लिश करना, साथ में वो जहाँ से आ रहे हैं कि बंगाल को कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस उनका रहना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अवेयरनेस और 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन, ये सब एक आता है, सो एक ऐसे क्वालिटेटिवली पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल चेंज देखने को हमें मिलता है। फ्लीटवुड विल्सन कहते हैं कि कोई भी ऐसी नहीं थी जो अपने आप को इस टाइम पीरियड पे, जो बंगाल रेस से अपने आप को इज लाइक कनेक्ट ना कर पाए। एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोवोक्शन में, इन द एंटायर प्रोसेस, जहाँ पे आप देखेंगे कि आयरलैंड विद इन द इंडियन एम्पायर एक न्यू, एक ऐसा आयरलैंड प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी। इनकी खुद की कैपिटल द वे वी दे हैव एन इंग्लैंड इज इन आयरलैंड, सिमिलरली दे वॉन्टेड टू प्रोड्यूस अ सिमिलर थिंग इन द इंडियन एम्पायर एज वेल। पॉलिटिकल टेम्पर की बात करें तो दे आर सो मच डिमांडिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो कैलकटा है, कैलकटा इज बिकमिंग द सीट ऑफ द वाइस रीगल अथॉरिटी। पूरी इन सब चीज़ों की क्या बन गई थी, कैलकटा सील बन चुका था। हार्डिंग इज नॉट इन अ कम्फर्ट, दे फाइंड दैट देर इज फ्यू थिंग्स अबाउट द कॉन्फिडेंस ऑफ सर कि किसी मद्रासी से या कुछ कंट्रोल, कुछ सपोर्ट मिलेगा भी। सो इवन दी गवर्नमेंट समवेयर कैट एक कैपिटल शिफ्ट होना है, बिकॉज दैट कैपिटल शिफ्ट मार्क्ड आउट विद इन सो मेनी थिंग्स इन द बैकग्राउंड। और उसके बाद उस कैपिटल को बर्बाद भी करना है, बर्बाद इन द सेंस दैट दे शुड बी हैव सम पार्टीशन, दैट इज सम हैव एन ऑल टुगेदर डिफरेंट काउंटोरियस कल्चर। हम देखते हैं 1911 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे अरेंजमेंट्स किए कैलकटा में बनाने के लिए कि एम्परर रहे, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वैलेंटिन चेरोल कहते हैं कि इसने इस तरीके से हम, वो क्या हो रहा है कि दे एक्चुअली रिमॉन्स्ट्रेटेड, दे स्पेसिफिकली कम आउट विद कि एक वाइसरॉय वहाँ पे रह जाए। दो, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस रहते हैं सो जॉन की कैलकटा के बारे में। अगर हम बात करें मद्रास की, मद्रास कहीं ना कहीं डिजर्व करता है कोल्ड शेड, मतलब इट्स समवेयर टू बी कोल्ड शेल्डर शोल्डर्ड।
शो कोल्ड क्राउडेड लाइक मीन्स एक ही ऐसा बन चुका था बिकॉज बॉम्बे मद्रास कलकत्ता दीज बिकम द इम्पोर्टेंट थ्री सेंटर्स दो दिल्ली इज वॉन्टेड टू दे वॉन्टेड टू मेक दिल्ली एज अ कैपिटल बट अलॉन्ग विद दैट दे वॉन्टेड टू कीप द अदर थिंग्स विद द वे सो दे सेड देयर आर टू रॉन्ग्स डिडंट मेक अ राइट मीन्स इट सीम्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट द मोस्ट डिस्लॉयल सिटी इन इंडिया शुड बी सिंगल्ड आउट फॉर द किंग्स एंटरटेनमेंट सो हम देख रहे हैं कि कैसे बॉम्बे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है वो सिर्फ देखा जाता है कि ये किंग का एंटरटेनमेंट है एवरीथिंग दे आर एक्चुअली टर्निंग आउट दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे एंड एक ये भी रिजल्ट है कि दिल्ली ऑटोमेटिकली इनका कारण बन जाता है इसके ऊपर लैंड होने का कि आपको दिल्ली ही मिलेगा सो बटलर ने ये सारी चीज़ें जब देख रहा था तो इट्स समवेयर लखनऊ में वो कहते हैं कि आई फेल्ट दैट आई वॉज इन इंडिया एंड नो वन वन नेवर फील्स इन कैलकटा इट्स लाइक लोगों को ऐसा लगने लगा था कि इंडिया में हो बट अब कैलकटा में हो और स्टिल यू हैव अ बबूज बॉक्स वालास मास्टर्स ऑफ इंडिया सो देयर रेंज ऑफ पीपल दैट गिविंग यू एन आउटलुक कि इनका आउटलुक से आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस है बट एटलीस्ट देयर हैविंग अ डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट क्राइज दैट इज हैपनिंग ओवर दिस पीरियड अब हम बात करेंगे फ्लेमबॉट एग्जीबिशन फ्लेमबॉट जो एग्जीबिशन है नाउ एक्चुअली समवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ दिल्ली बट दैट स्टार्ट्स विद द बंगाल अब हार्डिंग और क्रो ये डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिश ऐसी एक पॉलिसी बनाएगी जहाँ पे ये रिप्रेशन लोग इधर उधर जो घूम नहीं रहे वो उसको ख़त्म करेगी जो मुगल कैपिटल है वो इतनी डिवाइन है उसको ख़त्म करेगी साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो एम्परर है वो कहीं ना कहीं प्रिंसेस नोटेबल वो ऐसी कुछ इमेजिनेशंस क्रिएट करेंगे सो दैट दे विल बी एबल टू गेट अ डिवाइन फेवर कि हाँ हम उस भगवान से कर रहे हैं शाहजहां के बाद कैपिटल इस्टेब्लिश करेंगे सो एलिफेंट यात्राज निकालेंगे सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दे ट्राइंग टू फ्रेमबोर्ड एग्जीबिशन से बात शुरुआत होती है दे ट्राई टू रिलेट इट विद कि हाँ हम दैट दे कम आउट विद सर्टन सर्टन इवेंट्स दैट ले आउट द एंटायर इंपॉर्टेंस फॉर दी इरेक्सम चैलेंज एंड द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जगमगाती प्रदर्शनी जिसे हम कहते हैं फ्लेमबॉट एग्जीबिशन सो अब इसमें सिग्निफिकेंट डिसीजन जो क्या है दैट इज अवेटिंग फॉर द अप्रूवल कि अब एक डेफिनेट स्कीम चाहिए थी दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफरिंग सम परमानेंट बेनिफिट कि हाँ एक तरीके से चला जाएगा बहुत सारे सजेशंस दिए गए बट किंग्स भी डिटरमाइंड थे कि इसके जो सेंटिमेंट्स इन सबको जो हार्डिंग था बेसिकली वो इन सबके र्यूमर्स को दरबार को और इन सब शेड्स को एक तरफ लेके आएंगे कांग्रेस को कांग्रेस इज समवेयर ऑल्सो प्लेइंग इन क्योंकि वो इस टाइम पीरियड पे आ चुकी थी सो कांग्रेस को भी हम देख रहे हैं कि वो एक कॉम्प्रोमाइज और ऐसे बिलीव्स क्रिएट कर रही है कि बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर असम बिहार उड़ीसा इन सबके पैटर्न को एक तरफ एक ऐसी अर्बन मॉर्फोलॉजी की कंस्ट्रक्शन की हम देखते हैं बात होती है क्यों कहीं ना कहीं और बात करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट गवर्नर को कि दे वॉन्टेड टू क्रिएट एन अनरियल डिटैचमेंट कि अब बंगाल से वो दूर होना चाहते थे बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था बहुत मुश्किल था कि गवर्नर जो था वो इनके साथ नहीं चल पा रहा था बट फाइनली वो डिसीजन बनाते हैं सिंपल डायरेक्ट कि पार्टीशन कर देते हैं एंड वी मूव टूवर्ड्स दी दिल्ली सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हो जाते करते हैं एंड उसको ओवर शैडोड करते हैं दैट दे कम आउट विद सर्टन मेजर्स दैट विल इवेंचुअली हेल्प देम इसके बाद हम देखेंगे सो कैपिटल कहीं ना कहीं शिफ्ट ही की जाती है एक कोओर्डिनल साइट पे दैट इज वी नो कैलकटा कैलकटा को बहुत पहले शिमला देन उसके बहुत अलग सा बहुत साइड डूम्ड देखा जाता है इसको एक सीट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की मानी जाती है वो जो डिसप्रपोर्शनेट है अब हम देखेंगे कि क्या दिल्ली की तरफ से उन्होंने माइंड का फिगर आउट किया दिस इज समथिंग द बैकग्राउंड बैकग्राउंड में क्या ऐसी चीजें हो रही थी बट नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट दैट वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर वो रियलिटी में आगे क्या आ रहा था अब दिल्ली जब कैपिटल बनती है तो अगर हमने अभी लास्ट में पढ़ा कि मेजर कैपिटल जहाँ क्राउन की कैपिटल बन जाती है वो 1857 में ठीक है तो अगर हम मुगल्स की बात करो तो दे आर द रूलर्स हु रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वो कंटिन्यूटी देख रहे थे कि इस लंबे टाइम पीरियड से देखेंगे तो इन्होंने अब क्या कर रहे थे ये बंगाल से अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे दो दिल्ली एक ऐसा है जो सब चीज़ों से दूर है मतलब इट्स अ समवेयर अ प्लेस ऑफ नॉइजी हिंदू जब कलकत्ता के इतने हिंदू लीडर्स नहीं है प्रीडर्स नहीं है दे आर समवेयर
इट इज अवे फ्रॉम इट, इट्स अराउंड इट. किस कैसी जगहें थी यहाँ पे, मोहम्मदाबाद, रामपुर, दरभंगा, अवध तालुकदार, अलीगढ़ मूवमेंट, बनारस ऑर्थोडॉक्सी, तो हम देख रहे हैं दे आर एक्चुअली अवे फ्रॉम एवरी थिंग. ऐसा कुछ नहीं था. दिल्ली इज समवेयर, अभी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट इन द लास्ट वीडियो, इट्स नियर द क्लचेस ऑफ द गैंगेटिक वैली. गैंगेटिक वैली में थी बट इन सब चीज़ों से दूर थी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा था. फिर बात होगी यूरोपियन अपोजिशन की, कि अब यूरोप का भी इस तरफ से हम देख रहे हैं, लाइक यूरोप खुद से भी एक अपोजिशन कर रहा था. यूरोप खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि अब इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो दे सॉ इट एज एन ट्रस्ट, दे वांटेड कि ये एजिटेशन हो रहा है, एक ब्रीच ऑफ फेथ, बिकॉज इट्स समवेयर कैलकटा में ऐसी मूवमेंट्स और इस तरीके को द समथिंग इवन नॉट यूरोप इज एक्सेप्टिंग, दे वॉन्टेड टू मूव इट आउट. वो उनको भी अपने आप में निकलना था. तो जितने भी हम देखते हैं स्टेट्समैन थे, इंग्लिशमैन थे, वो इस एजिटेशन के बारे में बात कर रहे थे. अर्लियर हम देखते हैं कि हर्डिंग ने इस ट्राई इसको चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, कि और वो सब कुछ कैसे किया, एक कमिटी के से, दैट इज इस लिंक्डइन कमिटी टू द दिल्ली एंड द राम से मैकडॉन पब्लिक प्रोक्लेमेशन, दे गेव दिस फ्रेश एजिटेशंस. और मिंटो एंड कर्जन थे, दे वर वेरी फेथफुल कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, दे एक्चुअली प्रेजेंटेड आउट दीज आइडियाज, दीज एंड वेल फिगर्ड आउट इन दी एंटायर सिस्टम. ओके, सो ये अब यूरोपियन भी इवन चाहते थे कि दिल्ली उनका कैपिटल बने और वही उसमें वो बेटरमेंट अपना फाइंड आउट कर. तो अब हमने देखा कि हार्डिंग, जो हार्डिंग है वो क्या बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो इंडिया का है वो ये सब जो हम कह रहे हैं ना, ये डिवाइड करना, तो ये बहुत कम चीज़ें हैं जो फिट करेंगी. वो कैलकटा को क्या मानते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल मान रहे थे, और वो मानते हैं कि कर्जन मानते हैं कि कैलकटा कहीं ना कहीं क्या है, एक ग्रामोफोन की तरह, ग्रामोफोन. तो समवे ही है सर्टनली दैट द मिंटो जो है वो फियरफुल रहते हैं, वो डरते हैं अपने यहाँ पे कि ये सब चीज़ें खराब ना हो जाएं, ट्रांसफर हम कैपिटल करेंगे तो बहुत सारी एजिटेशन आएगा. बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए वो उठाते हैं कि वो नहीं हो जाना चाहिए, और वो कहते भी हैं कि एक आर्मर प्रिपेयर है, हमें अपनी एक तैयारी करके रखनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है. बिकॉज समवे यू आर एक्चुअली वट यू आर डूइंग इज यू आर इंटायरली ट्रांसफरिंग सम अ पूरा सिस्टम जाके कहीं ना कहीं से कहीं उठा के रख देते हैं. तो हम देखते हैं कि इस चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते जा रहे थे. कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो सिंपैथी लेना चाह रहे थे, जितनी भी एजिटेशंस आ रही थी, ऑफिशियल क्वार्टर्स हो रहे थे, वो इंक्लाइन हो रहे थे कि कुछ ना कुछ हमें ऐसे कंसेशंस निकालने चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें निकालनी चाहिए, सो दैट कि जो हार्डिंग ने अनाउंस किया डिपार्टमेंट के लिए, मतलब दैट कॉमर्स डिपार्टमेंट और जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे, दैट वोंट हैपन. 1912 में हम देखते हैं कि एक ह्यू ऑफ क्राई बन जाता है दैट वट कि अब रेलवेज देख लो, आप कोई भी चीज़ जो देख रहे हो, वो सारी चीज़ें वो देखते जाते हैं कि दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट फेज, कि वो जाने को है. इस चीज़ में इम्पॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. अब सिचुएशन कहीं ना कहीं स्ट्रेन थी और ख़राब होती जाती है. बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो काफ़ी हॉस्टाइल हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंटेंट करते हैं कि पैटर्नेज का इशू, कि इट्स एवरी थिंग. कॉमर्स मीन्स आपका पैटर्नेज, आपका एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ें मिलकर बनेंगी, देन ओनली इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट थिंग. और जब उसी चीज़ को आप कह रहे हो कि उठा के आप दिल्ली ले जाएंगे, तो इट्स ऑल अबाउट कम आउट विद एन लॉट ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ डिबेट्स, लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज ऑलरेडी इवेंचुअली कम आउट विद दिस कंट्रीज. अब वाइसरॉय वाइंडिकेटेड 1914 में, हम देखिए 1911 में एक ऑफिशियली दिल्ली को कैपिटल डिस्कवर किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है. हार्डिंग कहीं ना कहीं पुश करते हैं कैलकटा को एक एब्सोल्यूट आइसोलेट पोजीशन में, कि अब कैलकटा को बिल्कुल एक साइड की पोजीशन में कर देना चाहिए, जितकी वो लोगों के कहीं में दिमाग में भी नहीं आ पाए कि इफ़ आई बिल्ट अ मीन कैपिटल, एक ऐसा भी नहीं आना चाहिए कि कहीं कैपिटल थी, सेल्फ इंटरेस्ट एक एटीट्यूड वो दिखाते हैं, वो मौन कर जाते हैं प्रोटेस्ट का, ये सारी चीज़ों को पीछे कर देते हैं. ऑल दो हम देखते हैं कि बहुत सारी एजिटेशंस हो रही हैं जिस टाइम पीरियड पे आ रही थी, प्री मेच्योर डेथ होने लग गई, एंड देयर लॉट ऑफ रिबेल्स फाइटिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, बजट डिबेट्स, बिकॉज अब आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल, सो ऑलरेडी जो जो एक वेल सेटल्ड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, दैट लेड टू द लॉट ऑफ डिबेट्स अमंग द पीपल, एंड दैट एक्चुअली दो दे आर वर्दी, बट सिमिलरली वी विल सी सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट इज कैरिड आउट इन द होल डिबेट. 1914 में हम देखते हैं जो कैलकाटा नोटेबल्स थे उन्होंने एनकरेज किया, एक स्पेसिफिकली हम देखते हैं मैकडॉलन एंड आइसलिंगटन,
कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं कि जितना भी एजिटेशन हो रहा है कि दिल्ली के अंदर कैपिटल ना लेके जाए, तो वो चाहते थे कि मनी वेस्ट ना हो पूरी कंस्ट्रक्शन में। अब आप सारी कंस्ट्रक्शन करोगे नहीं, बिकॉज मेकिंग अ कैपिटल इज इटसेल्फ डिफरेंट। आप एक कैपिटल बना रहे हो, उसके अंदर न्यू सेंटर्स न्यू पावर डाल रहे हो, देन इट बिकम एन ऑल टुगेदर डिफरेंट आस्पेक्ट। तो वो सारी चीज़ें वो रिकमेंडेशन डालते हैं, पब्लिक सर्विसेज में लेके जाते हैं, एंड हम देखते हैं फाइनली एक डिसीजन आते हैं जहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये फर्दर फर्दर एक सर्टन चेंजेस लेके आ पाए। आइसलिंगटन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ों को हैम्पर कर देती है, ये पॉलिसी लेके आती है कि अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कि ये सारी कैसे व्यवसाय सारा चलाना होता है, ये सारा कैसे पूरा आवा। सो नाउ द आइसलिंगटन कमीशन बिकम एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर आवर अंडरस्टैंड। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं ना कहीं ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज किया कर जाता है, एक न्यू डील बनाते हैं वेयर दिस इज कि जो इस्टेब्लिश करेंगे हम ढाका यूनिवर्सिटी करेंगे, शामसुल हुडा उसका वाइस रॉय होगा। तो नाउ वी विल सी एक पॉलिटिकली मूव हो रहा है जो इंपीरियल इंटरेस्ट के साथ कि दैट वी आर कमिंग आउट सम इंग्लिश पेपर्स, कि कुछ इंग्लिश पेपर्स कुछ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इस ढाका यूनिवर्सिटी में होंगी। और हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो आपका एंगलाइजेशन है, चर्च का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, क्रिश्चियनिटी। सो नाउ इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि कैसे एक न्यू कॉमर्स न्यू चीज़ें होगी। एक चैम्बर बना रहे हो जिसमें आप ढाका यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहे हो, नाउ यू आर गिविंग योर वाइस रॉय अ पोजिशन, देन चर्च का इंपॉर्टेंट है। सो समवे वी विल सी एन ऑल टूगेदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल एंड द लेवल्स दैट इज हैपनिंग एट दिस पीरियड। अब हर्डिंग ने क्या किया क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्डिंग। पू पू कर्जन स्पीच, जो कर्जन स्पीच थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैलकटा में, कि जो डिफेंड कर रहे थे कि कैलकटा आई डू नॉट नो व्हाट कर्जन वांट्स, तो वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कैसे दिस इज समथिंग, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको समझ में आता है कि कैसे कर्जन और हर्डिंग के बीच में एक लड़ाई थी कि दिल्ली के और उसके ऊपर कैपिटल शिफ्ट करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो किस लेवल पे करनी है एंड क्या वो सही रहेगी। देयर इज सो मच क्यूरियोसिटीज इन द एंटायर कॉन्टेक्स्ट एंड इन द एंटायर डिबेट्स। नाउ वन यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ओरिएंटल स्प्लेंडर। ओरिएंटल मीन्स लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। जब भी जो इतिहासकार थे वो ईस्ट मतलब इंडिया और एशियन कंट्रीज की तरफ देखते हैं, तो एक दैट इज समथिंग हम उन्हीं की केस से देख रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जब देख रहे हैं ईस्ट की तरफ तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा बन चुका था कि फंड्स बहुत शॉर्ट कम हो चुके थे, इकॉनमी अफेक्ट की उसके पे थी, कोई मार्बल्स नहीं था, कॉलम्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे वर्क्स नहीं थे कि जिससे हम दिखा पाएं कि हाँ एक नई कैपिटल बन के जाए। जब अर्बन आइडिया इट्स समथिंग दिस इज समथिंग इज वेल फिटेड कि कैसे एक इंपीरियल आइडियोलॉजी और अब अर्बन स्फीयर की बात करो। न्यू दिल्ली ऑलरेडी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अर्बनिज्म में ऑलरेडी अच्छा था, तो कैपिटल अगर शिफ्ट भी करें तो उन्हें अब ऐसा था कि हमें कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना करनी पड़े, हम पुराना ही मटीरियल उठाएं और यूज़ करें, और नाउ वी कम आउट विद एन मोर सरप्लस। दिस इज समथिंग, बिकॉज कोई भी कैपिटल को लगाना मतलब ग्रैंड न्यू क्रिएट कर, हमें बहुत बड़ा एम्पायर बड़ी बड़ा इस्टेब्लिशमेंट समथिंग दिस कम आउट विद। हम देखते हैं शाहजहानाबाद के साथ बनता है वाइसरॉय, कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक न्यू कैपिटल और न्यू सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है विद द 1911। ओके, अब जो ये न्यू सिटीज बना रहे थे वो किस पे बना रहे थे, देन दे आर द आयर्स ऑफ द मुगल्स। मुगल्स के सक्सेसर्स थे, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि मेजेस्टी इंपीरियल मेट्रोपोलिस की हाँ कोई बड़ी चीज आई है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्रू और हर्डिंग कहीं ना कहीं यूनानिमस रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे रहेगा। दो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं इसमें इस पूरे के, क्योंकि दिल्ली आज जो हमें दिख रही है ना डिजाइन, हमें वो देखने को मिल रहा है इसका वेल प्लान डिजाइन। तो रामसी मैकडोलन कहीं ना कहीं पॉलिसमाइज कर देते हैं कि कहते हैं कि हर्डिंग के सर्वे के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे एक रिज है रेजिना विलेज में, और वहाँ पे बहुत सारी ग्लोरीज हम यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। ये जो आर्किटेक्ट्स हैं इंजीनियर्स हैं दैट दे आर गिविंग यू अ वेरी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एक इंपीरियल अंडरमेकिंग, यस कि कोई चीज़ है कोई सच में आपको एक ऐसे आइडियाज और ऐसे व्यू पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे थे। महत्वपूर्ण और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें क्या बात देखने को मिलती है, यहाँ पे कमिटी जैसे आइसिंगटन कमिटी मैंने आपको बताई थी वो पूरी स्टडी करती है कि कौन कौन सी पैरामाउंट नीड है, कि यहाँ पे सैनिटेशन कैसी होगी, कॉस्ट क्या लगेगी, कमर्शियल सिविल मिलिट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, वाटर सप्लाई कैसी होगी, तो और ये सबको देखते हैं कि कैसे कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, दैट शुड बी कैरिड आउट एंड दे सबमिटेड अ रिपोर्ट। अब
इस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि साइट कहीं ना कहीं आती है जमुना पे, जमुना जो दैट इज अ यमुना रिवर, बिकॉज दिल्ली का अगर लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट क्या है उसके यमुना रिवर से ही, यमुना रिवर पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा फोर्ट, ये फोर्ट रखा जाता है और बात की जाती है कि यहाँ पे ही इसी के आसपास हम लैंडस्केप बनाए जाएंगे। जो वेस्टर्न साइड होती है वो कहीं ना कहीं बहुत हाइयर ग्राउंड है, ऊंची जमीन है, अच्छा क्लाइमेट है, सो वो अलग प्रॉब्लम्स करता है। देन वी विल सी कि चिमनीज, रेलवे लाइंस यहाँ से वो लेके जानी थी, जो मीनार थी जामा मस्जिद की, दैट ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि कैसे वो हिंदू मुस्लिम रूलर्स को स्काई लाइन से हटा देना है, वो चीज़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी जहाँ पे, उन रीजन्स को नहीं इम्पोर्टेंस देनी जो मुगल और सल्तनत काल के टाइम पीरियड पे थे। सो इट्स एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर दैट वी विल सी ओवर हियर। नॉर्थ साइड की बात करें तो सेंटिमेंट्स और यहाँ पे बेसिकली एसोसिएशन बहुत सारी हो रही थी। 50 years ago एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे लिखते हैं, वी कॉन्सक्रेटेड दिस एरिया विद ब्लड इन 8 late years इन 3 successive दरबार, मतलब हमने 3 successive दरबार और पूरा जो ये खून यहाँ पे जितनी इतनी बैटल्स हुई थी इसको हमने कैसे लिखा है, सिर्फ ये 3 successful पूरे इकट्ठे दरबार जो लेके आए वो। जो ये साइट है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न रिक्वायरमेंट से, मॉडर्न विलेज स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं रहती है, दो इट बिकम अ मॉडल ऑफ द ग्रेट सिटी। दैट्स वाई टुडे इवन दिल्ली इज द कैपिटल। तो आज जो हम जितनी भी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं तो उसकी शुरुआत वो हमें यहीं देखने को मिलती है। हिस्टोरिक रिच की बात करें तो हिस्टोरिक रिच कहीं ना कहीं हमें एक पिचकरस्क बताता है कि एक बहुत बड़ा माउंटेनियस लैंडस्केप जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन हो रही है, हाउ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग इज फर्दर परसीव्ड। दो बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जहाँ पे चीज़ें रिजेक्ट भी हो रही है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। लोग ये मानते हैं कि हर्डिंग ने कहीं ना कहीं एक्चुअली में दैट वुड हैव बीन इन इंटायर सिटी एंड इट इज इन बिल्ट विच वुड बी अ पेनिट्रेटिंग एनहांस द मेमोरी ऑफ द म्यूटिनी। तो उन्होंने वो पोर्शन लिया हर्डिंग ने कि जहाँ पे वो म्यूटिनी की मेमोरी भी रह जाए बट जो पुरानी चीजें हैं उससे भी कहीं दूर हो, तो इट्स एन ऑल टुगेदर अ सी। तो जहाँ पे वो म्यूटिनी का पार्ट भी देना चाहते थे क्योंकि वो शेमफुल था इंडियंस के लिए कि तुम हार गए एंड नाउ दे आर बिल्डिंग ए कैपिटल ओवर। सो समवे यू कैन जस्ट इमेजिन कैसी इंपीरियल आइडियोलॉजी उस टाइम पीरियड पे रही थी जहाँ पे वो अपना पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए कैसी चीजें कर रहे थे। अब हम साउदर्न स्टर्स आउटस्कर्ट्स की बात करें दिल्ली में, तो हर्डिंग ने कहीं ना कहीं एक कमिटी बनाई जहाँ पे वो साइट कहीं ना कहीं हम देखते हैं 7 cities में अर्ली डेज में रही, बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग रूइंस रहे, कुछ ऐसी जो इतनी भी 7 cities बनने लगी उसके अंदर ही। और हम देखते हैं इट्स अ वेरी इनकॉपरेशन, हिस्टोरिक रेलिक्स भी उन्होंने लेने की कोशिश करी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, हिस्टोरिकल रेलिक्स, एडिफिसेस, कुतुब मीनार, वर्जन सॉयल, सारी चीज़ों को वो अपने कैपिटल में और वो डोमिनेट कर रहे थे कि इवन ऐसे पोजिशन भी लेंगे जहाँ पे बहुत अच्छी अगेन फर्टिलिटी हो, जहाँ पे अभी तक फर्टिलिटी हुई ही नहीं। सो दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स लैंड एंड लैंडशिप, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी दैट इज हैपनिंग ओवर दिस टाइम। अगर हम लैंड की बात करें तो इट्स प्राइमरली एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी साउथ ईस्ट में बेसिकली। जामा मस्जिद की अगर आप बात देखें तो जामा मस्जिद शाहजहानाबाद से रिलेटेड था, एट ओल्ड सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स बन रहे थे, ओपन स्पेस था, बहुत ओपन स्पेस जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और दोनों सिटीज हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस देते हैं। इट्स लाइक मुगल एम्पायर को भी वो उस चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तालकटोरा वॉज रिजेक्टेड ऑन द डिफिकल्टीज इन अलाइनमेंट, कुछ चीज़ें अब ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टैंडर्डाइज, बिकॉज दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड जहाँ पे आर्किटेक्चर में एनलाइटमेंट हो चुका था, रोमांटिसाइजेशन हो रहा था, तो वो एक बहुत डीप वाइड स्ट्रक्चर्स उस, ऑल्दो उनके पास पैसा नहीं है बट स्टिल वो उस स्ट्रक्चर्स को बहुत तरीके से मेंटेन कर रहे, एक पैरेलल सिमेट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम देखते हैं तालकटोरा एक उसमें नहीं आता, मालचा कहीं ना कहीं मुगल दिल्ली का पार्ट होता, तो सम रीजन्स आर इवन नॉट कम अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर अर्बन हिल्स। रेजीना हिल्स कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर द इम्पेशेंट हर्डिंग वर फोर्स ऑन द टाइम टाउन प्लानर्स। तो रेजन हिल्स हम बेसिकली देख रहे हैं कि कैसे हार्डिंग चाहते थे कि अब एकदम से दिल्ली एक दरबार में सेट हो जाए, दिल्ली बन जाए, तो वो रेजिना हिल्स बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द इंटायर डेवलपमेंट। अगर हम ओरिजिनली मूल रूप से देखें तो जो गवर्नर गवर्नमेंट की हाउस थे या जामा मस्जिद के सामने जो ये प्रॉपर शाहजहानाबाद कहीं ना कहीं समाप्त होना था, एक तरह देखो शाहजहानाबाद के सामने ही इट्स
वो न्यू रजीम आके खड़ी होती जा रही है. सो दैट इज समवेयर वी विल सी अ न्यू पेट्रियाटिज्म, अ न्यू डिजाइन हैज बीन केम अप एंड दैट एक्चुअली सिग्निफिकेंट इन अ न्यू रिलेशनशिप. ये एक न्यू रिलेशनशिप आ चुकी है और पुरानी का बिल्कुल स्थायी अंत हो चुका है. साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी जो एम्परर प्रेजाइड करता था. जो ये रेजीना रिच थी वो कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाती है, वो हमें दिखाती है कि जितनी भी विजन्स थी इम्पीरियल हेजेमनी की वो इस टाइम पीरियड पे डोमिनेट कर रही थी. अब रेजीना कहीं ना कहीं हार्डिंग चाह रहा है कि यार ये लो, और उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट के साथ इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बटलर बहुत ज़्यादा इको इस चीज़ में लेके आते हैं कि वी कुड नॉट ब्रीथ विद अ क्लैम साइज लाइज विद समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ वियना एंड अ रोड डाउन विद अ सेंटर फ्लैग बाय द ग्रेसफुल ट्रीज. सो यहाँ पे वो बहुत सारी इस चीज़ में बात कर रहे हैं कि कैसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो एम्परर हैं वो एक न्यू पर्थनन लेके आ रहे हैं दैट दे आर सिंपल सम इम्पीरियल हेजेमनी दैट इज प्रीडोमिनेंट कि वो बनने जा रही थी. बटलर कहीं ना कहीं बात करते हैं कि वी कुड नॉट ब्रीथ विद द क्लैम स्लाइस, हम सांस नहीं ले पा रहे थे. ठीक है, सो विद समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ वियना कुछ ऐसा बनाना चाह रहे थे कि जैसे वो जहाँ पे वहाँ पे वियना है रोड डाउन एक ऐसे गोल चक्र जिसे दैट इज समथिंग दैट दे कम आउट. गवर्नमेंट हाउस हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक गुड व्यू देना चाह रही थी जिससे जामा मस्जिद दिखे, इंद्रप्रस्थ दिखे, हुमायूं टॉम दिखे, लोधी टॉम दिखे, सफदर्जंग. सो अगर आप कैपिटल से देखोगे तो आपको पूरा हेरिटेज दिखे. दे डोंट वॉन्ट टू कल्मिनेट, दे डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दैट हेरिटेज. हेरिटेज इज अ पार्ट ऑफ इट बट दैट नाउ बिकम एन हिस्ट्री. वो रेमिनेंट्स है, वो पुरानी बात है, नए हमने. सो इट्स लाइक दे आर क्रिएटिंग अ ट्रेजेक्ट्री ओवर इट. जैसे आज लोक कल्याण मार्ग है तो वही चीजें हैं दैट समथिंग बिकम अ पार्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मोटिव. अब हम सेंट्रल मोटिव की बात करें तो गवर्नमेंट हाउस, सेंट्रल चैम्बर, सेक्रेटेरिएट, दीज बिकम द सेंट्रल लेआउट. अगर आपको कैपिटल स्टैब्लिश करनी है तो ये तो तीनों चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. गवर्नमेंट हाउस होना चाहिए, सेंट्रल चैम्बर होना चाहिए और सेक्रेटेरिएट. गवर्नमेंट हाउस रेजीना हिल्स में था. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिर्फ बेकर जो है वो इसकी सारी इन्वेंशन करते हैं, ये कैसे बिल्स हिल्स में से कटेंगे और कैसे पूरा हिल से ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आएगा. काउंसिल जो चैम्बर था वो हिल्स को चढ़ के हम देखते हैं जो आपका मॉन्टेग्यू कैल्सनॉट एक्ट है उसके चलते आता है और वो सेक्रेटेरिएट पूरा बनाते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी इकट्ठे होके एंड इट गिविंग अ वेरी डोम शेप जैसे गुंबद होता है वो ऊपर सेक्रेटेरिएट बैठ रहा है. सो दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट कि कैसे जैसे सोसाइटी का इनका स्ट्रक्चर है, जैसे डिवीजन है, दैट इज समथिंग ऑल्सो विजिबल इन द आर्किटेक्चर एंड एलोकेशन ऑफ द इंटायर आर्किटेक्चर इट्सेल्फ. फोरम जैसे है कि नॉर्थ और साउथ साइड दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. साइट जो है राइट एंड लेफ्ट दीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर हम इनके इंटरसेक्शन पे देखें तो मेन एक्सिस एक ऐसा प्लेस है जो फॉर्म हो जाता है. साथ ही साथ आप ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, म्यूजियम, लाइब्रेरी, इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस इन सब की आप बात करेंगे तो नाउ दीज बिकम एन एक नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना. Apart from that, other structures are also established. The Oriental Institute, Museum, Library, Imperial Record Office, these are structures bhi bahut important hai jo inke saath saath aaye aur wo inki establishment ki baat kare. Theek hai, agar hum Safdarjung Maqbara ki baat kar rahe hain ya Lodi Tomb ki baat kar rahe hain, these become in park areas, ancient monument areas jo park areas mein develop kar diye gaye. So now they become transformed. Jo aaj aap Delhi ka space dekh rahe ho, wo actually mein ek transformational space hai that started with itself in the colonial period. Okay. Now, apart from this, अगर आप north and east का axis देखिए तो यहाँ पे हमारी secretariat building आती है जामा मस्जिद की तरफ and that is where जो आप देखोगे कि railway station become an another place there. अब वहाँ पे जब secretariat position है साथ में वो और commercial aspects रखेंगे because एक ही aspect तो important नहीं है, वो दूसरी चीजें लेके आने लगे जैसे कि जामा मस्जिद के साथ साथ वो लेने लगे कि banks लेके आएंगे, shops, hotel, post office. तो जब चीजें एक दूसरे से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा रेलिवेंट होने लगी. कनॉट प्लेस बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रेसेंट कि कैसे ना जैसे वो एक चांद होता है दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर दिस कि कनॉट प्लेस का वहाँ पे एक रॉयल क्रेसेंट बन गया जहाँ पे बात के लिए. देन दैट इज समवेयर लोकल ब्यूरोक्रेट्स आके मिलने लग गए, यूरोपियन क्लर्क्स की रेजिडेंसीज इस्टेब्लिश होने लगे. तो कनॉट प्लेस की एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट, एक एलिटिज्म, एलीट करेक्टर. एक आप क्योंकि अब आपने कैपिटल बना ली, कैपिटल के साथ आपने स्ट्रक्चर्स बना ली, बट उन स्ट्रक्चर के साथ साथ हम देखेंगे एक एलिटिस्ट नेचर भी आने को देखने को हमें मिलता है.
इंडियन क्लर्क की अगर हम बात करें तो तालकटोरा गार्डन और पहाड़गंज, ये दोनों रीजन जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट और प्रेस की इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बब्बू क्वार्टर से अब यहाँ पे आने लगते हैं, बिकॉज आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट एलिट्स रहेंगे कहाँ, तो ये तालकटोरा को ले नहीं पाए थे, पर ये दोनों चीज़ें जगहें अपार्ट फ्रॉम कनॉट प्लेस, तालकटोरा और पहाड़गंज ऐसी दोनों जगह बन जाती हैं जहाँ पे ये एलिटेस्ट क्लर्क्स आपके रहेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश क्या करती है, बब्बू क्वार्टर्स ये क्या थे, ये बहुत जितने भी आपके करोल बाग में जितने भी क्वार्टर्स आज भी आपको कहीं ना कहीं के एविडेंसेस मिलेंगे देखने को मिलते हैं। तालकटोरा पार्क एरिया मार्केट एम्पल, यहाँ पे क्या होगा, साथ में एक प्रॉपर मार्केट है, टेम मंदिर बना दिया गया, प्लेइंग फील्ड, इंडियन क्लर्क, सेटलमेंट, शॉपिंग, रिक्रिएशनल सेंटर, इन सब में हमें देखने को मिलता है। अगर आप साउथ की बात करें इस फोरम की, तो इसमें बहुत सारे रेजिडेंसेस कमांडर इन चीफ प्लेस कर दिए जाते हैं। सो इट्स ऑल अमाउंट कि कैसे जो जगह इंपॉर्टेंट सेंटर्स होंगे उन पर इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इंपॉर्टेंट पावर दे देंगे, और जो नीचे लोअर पोजिशन पे होंगे लोअर देंगे। तो इट्स अबाउट हाउ वी हैव अ सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकली कैसे डिवीजन था, उसी पॉलिटिकल डिवीजन के चलते हम देख रहे हैं कि काउंसिल, सेक्रेटेरियज और ऑफिशियल्स भी डिवाइडेड। अब प्रिंसिपल एवेन्यू अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंपीरियल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो एक स्पाइडर वेब पैटर्न, आप देखो कि सब कुछ जुड़ा हुआ एक वेब बन चुका था। कमेमोरेटिव कॉलम्स हर चीज को जोड़ा जा रहा था, गेट्स लेके आए जा रहे थे, इंडिया गेट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आउटर पैराफ्रेरी पे था, बिल्कुल एंड में आप एक इंडिया गेट की है, दैट इज समथिंग अ बफर बिटवीन अ वाइट सेटलमेंट एंड द डिस्टेंट ओल्ड दिल्ली। तो इंडिया गेट जब बना दिया कि आप यहाँ से तो आप दिल्ली में हमारी एंटर कर जाते हैं जो मॉडर्न दिल्ली है, कॉलोनियल दिल्ली है और वाइट सेटलमेंट है, वाइट लोगों की जगह है, और उससे अगर दूसरी जगह है दैट इज अ डिस्टेंट पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली का कंसेप्ट हम देख रहे हैं, इससे बहुत वेल एंट्रेंच इस्टेब्लिश होने को देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ है, जैसे रोम में एक्रोपोलिस था जहाँ पे लोग आके मिलते थे, एक सेक्रेटेरिएट ब्लॉक था, वी विल सी सर्टन थिंग्स आल्सो कमिंग विद दिस बब्बू क्वार्टर्स। दो बब्बू क्वार्टर्स बहुत अलग से करे जाते हैं, जहाँ पे जितने भी सिविक मैटर्स होंगे, डायगनल इश्यूज होंगे, वो वहाँ पे ही डील किए जाएंगे। बट साथ की साथ हम देखते हैं कि वाइट सा है, क्लेवर लिंकेजेस ये इस्टेब्लिश कर रहे थे किस तरीके से, असेंबली चैम्बर और फेडरल कोर्ट, असेंबली चैम्बर फेडरल कोर्ट इंपीरियल कॉलोनेट, ये सब मिलके एक क्या स्टैब्लिश कर रहे थे, बट दिस इज समथिंग बिकम अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट विद इन वेरियस सिविल बॉडीज, छोटी 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 बॉडीज जो उसकी साथ 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 आके स्टैब्लिश हो रही थी, दैट बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटायर अर्बन मॉर्फोलॉजी दैट इज कोरल एम्पायर इज लेइंग डाउन। अब अप्लॉडिंग ऑन दिस हम देख सकते हैं कि फॉली द ग्रैंड न्यू इस टाइम पे, फॉली क्या होता है, द इंटायर रिच अपर क्लास। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत इंप्रेसिव करते हैं लेआउट सिटी का, बहुत सिमेट्रिकल डिजायरेबल कि एक प्रॉपर ऐसा रहेगा, उस चीज़ के लिए हम देख रहे हैं। तो पैट्रिक गॉडेस एक इम्पॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो एक हमें कैसा दिख रहा है कि ऐसी ह्यूमन ड्वेलिंग है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे सोशल सेंटिमेंट्स है, सोशल सेंटिमेंट इन द सेंस कि जिस तरीके से लोगों का एक सोसाइटी को देखने का परसेप्शन है, अमीर गरीब, अनफेलिंग वॉइस, वेस्टर्न कल्ट, सब कुछ एक हमें देखने को लिख रहा है कहाँ पे, ऑन द डिफेंसलेस बैंक ऑफ जमुना। डिफेंसलेस एक होता है डिफेंसलेस मतलब जहाँ पे आप जिसको बचा नहीं सकते, सीधा एक अटैक होने के कारण है, बट स्टिल वी आर सेइंग कि बहुत एक ग्रैंडनी और प्लान में, और साथ में ही समवेयर कंटिन्यूइंग प्रोसेस, उसको कंटिन्यू करके उसको लेके आना एक हम इम्पोर्टेंट प्रोसेस में आता है। लैंचेस्टर रिपोर्ट अगर हम देखें दिल्ली प्रोजेक्ट की, वॉज समवेयर डिस्कार्डेड, पहले लैंचेस्टर रिपोर्ट इज इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट दैट इज कमिंग विद दिस। अब दिल्ली के ऊपर एक रिपोर्ट आती है दैट इज लैंचेस्टर रिपोर्ट, वो क्या बात करती है कि जो ये न्यू इम्पीरियल कॉन्शियसनेस है, हाँ जो न्यू इम्पीरियल कॉन्शियसनेस है वो अब हम क्योंकि बिकॉज इट्स नाउ वो क्या रहते हैं कि कुछ ग्रीन गार्डन्स बनाए जाएं, तो इस सब चीज़ों को रोड स्ट्रीट बॉडी डिस्पाइट कुछ लुटियंस है वो इस चीज़ को मना कर देता है कि हम कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया जाता है कि एक कंटोनमेंट सिटी को खत्म कर दिया जाएगा, बट कंटोनमेंट सिटी के साथ साथ अब वो बनाया जाएगा, दैट इज समथिंग द प्रॉपर थिंग कि म्यूटिनी रहेगा, वो म्यूटिनी वाला जो एस्पेक्ट था कि खत्म करके हम नई सिटी बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे, रादर वी विल कम आउट विद इन दैट, उसको उसी में ही एडजस्ट करेंगे उसी पैटर्न में। कैप्टन जॉर्ज
सिंटन कहते हैं, एक सेल्फ एक्सपर्ट थे टाउन प्लानिंग में, वो बात करते हैं कि इसकी एक्चुअली भी उनको अपॉइंट किया जाता है कि कैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी, बिकॉज दिल्ली को बचाना भी है. नाउ व्हेन इट बिकम कैपिटल, इट इज एट द अटमोस्ट थ्रेट. सबसे पहली चीज आप कौन सी अटैक करना चाहोगे? दिल्ली को. तो मॉब वायलेंस कहाँ हो, रिमार्केबल हम देख रहे हैं ऐसे की जोन्स कौन से थे जहाँ पे एक अनरूली पब्लिक आके निकल के ना आ जाए. तो समथिंग दैट इज ऑल्सो कल्मिनेटेड. उस चीज को बचाना, उस चीज को प्रिजर्व करना भी हमें देखने को इम्पोर्टेंट चीज मिलती है. अब हम बात करें लुटियन की. लुटियन समवेयर एक डोमेस्टिक आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं कि खुद सारा कुछ चीज़ें करनी. एक ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने खुद ने ही यहाँ पे वो हायर किए गए हों, वो इंडियन हो रादर देन फ्रॉम द फॉरेन डेवलपमेंट. ही इज ट्राइंग टू इंटरग्रेट एवरीथिंग, सारा कुछ वो इंटरग्रेट करने की कोशिश करते हैं. इलेबोरेट ऑर्नेट स्टाइल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा, जो चीज़ें लंबी चीज़ें उनकी छुपाएँ. सिंस्टन के पेपर्स हैं वो हम देख रहे हैं, उसमें वो बात करते हैं कि कैसे मिलिट्री और सिक्योरिटी प्रॉब्लम को डील किया जाता है. क्योंकि सिटी है, आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इस सिटी को बचाना, उस सिटी का प्रिजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था. जो एक आर्कोपोलिस, एक होता है सिटेडल, किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होना सिटी का, उसको बचाना, तो एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. अब हम रोमन की इसकी एक्चुअली में ये शुरुआत कैसे होती है. जैसे रोमन कॉलोनियल इस्टेब्लिशमेंट थी, वी फाइंड कि जो सेम पैटर्न है ना वो यही है कि कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था जिसने ये एक्चुअली में यहाँ जिसने यहाँ पे पूरा दिल्ली को कोई चीज नई चीज दे दी हो, या पुराना यहाँ पे रेलिक्स खत्म हो गए. तो ऐसा कुछ एकदम से चेंज नहीं हुआ था. इट इज एक्चुअली हम देख रहे हैं क्या रिपीट परफॉर्मेंस. बहुत ऐसा हो रहा था कि जैसे रोमन कॉलोनियल इस्टेब्लिशमेंट हुई, एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक भी बना, फिर कैंप्स बने, तो हम देख रहे हैं कि एक सिमिलर पैटर्न वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है. सो इन योर आंसर्स यू कैन एक्चुअली क्रिएट सच एन पैरेलल एथनोलॉजी विच एक्चुअली हेल्प यू आउट. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फर्दर, पीटर द ग्रेट इन द मॉस्को, ही टॉक्ड अबाउट कि जो अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं टिपिकल रशियन स्टाइल नहीं है. ठीक है, ये एक यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट थी जो फॉल्स प्रॉमिस कर रही थी कि वॉशिंगटन वॉज टू प्रोवाइड एन इंटरनेशनल इमेज टू द यूनाइटेड स्टेट. एक जानबूझ के ऐसे किया गया कि एक टाइप का तुम्हें झूठ ऐसे क्रिएट कर दो कि हाँ हमारी सिटी ही पूरी कैपिटल को भरती है. तो ऐसे ब्रसीलिया, रियो द जेनेरियो, कैनबरा, दे ऑल बिकम द कैपिटल्स जस्ट लाइक द सेम वे वेयर दे प्रोमिसिंग दैट वी आर एक्चुअली ऑफरिंग अ न्यू एस्टैब्लिशमेंट, अ न्यू इमेज टू यू. सो न्यू दिल्ली वॉज रिप्रेजेंट समथिंग, अ डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रिटेन. न्यू दिल्ली एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बन चुका था जो वो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटेन को एज एन इंपीरियल पावर. ठीक है, अगर हम देखें पोएट की बात करें, लुटिया ने कहीं ना कहीं ये बात सोची भी नहीं थी, और आई कैन से ही थॉट अबाउट दिस इन द वे बैक 1870s में वो सोचते हैं कि वो ऐसा एक कर्जन जो इस चीज़ पहले कर्जन चाहते थे और इसको जो लेके आने वाले थे वो लुटियन थे, कि वो एक ऐसा सेंटिमेंटल प्लान लाएंगे जो पूरा पेट्रियोटी और कैनबरा को कवर करेगा. अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है. क्या है कि कई लोग मानते हैं जो उसका स्टाइल आर्किटेक्चर का वो न्यू दिल्ली से मिला है, जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न फॉर्म्स को इसमें अप्लाई करे जा रहे हैं. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इट वॉज पॉसिबल टू एस, बिकॉज क्या हो रहा था कि इंडियन आर्किटेक्चर को भी आपको अपने अंदर लेना है और आपको ब्रिटिश के आर्किटेक्चर को भी लेना है. सो हम देखते हैं कि दोनों के आर्किटेक्चर को जब अंदर लेने की बात हो रही है, तो अगेन एलिगेशन, जैसे ब्रिटिशर्स जब मुगल्स आए थे, दिल्ली सल्तनत आया, उन्होंने अपने राज में अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की बात करी. अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि इट्स इंटरमिंगल करेंगे, ये मिक्सचर लेके आएंगे, देन वी विल बी एबल टू डू इट. तो ऐसे हम देख रहे हैं डिग्निफाइड और नोबल मॉन्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब अगर हम हार्डिंग की बात करें, तो उन्होंने एम्फेसिस किया कि ईस्टर्न और जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत जगहों पे होना चाहिए. एक ब्रॉड स्टाइल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है. हार्डिंग ने कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक वन आर्किटेक्ट थे जो बात मानते थे कि कहीं ना कहीं जो स्टाइल है वो क्लैश इन द सेंस, जब आप दो चीज़ें दो डिज़ाइन से अडाप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड क्लैश, एंड दैट बिल्ट इन हाउस ऑफ पैलेडियन मैनर. तो हम देख रहे हैं कि वो एक ऑल टुगेदर दो लाविश हो जाता है उस कारण, और वो एक पैराडाइज और पैलेडियन मैनर में होता है. सो इसके साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हाउस
establish hota hai, government house establish hota hai as a Lutyens plant. So these bring oriental touches that should be appreciated in the country. तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ही oriental touches हमें देखने को मिल रहे हैं. Oriental means जो आपके west side के और east के खुद के. तो this is something that is there. तो अब हम देख रहे हैं कि क्या जो आपका it's very important. This is Gilt Dome जो हमारा government house में है. That is actually building, we got it from the public building of Russia. So, अगर आप urban space की बात करोगे तो urban space समय वो क्या चाह रहे थे, ये सब की जगहों से ले लो. कुछ कुछ ऐसे आप देखो देखेंगे कि aesthetic grounds अलग होंगे. Harding बहुत ज़्यादा इस चीज़ में advice करते हैं. Lutyens इसको क्या करते हैं, इस ही establish it as a mule. Mule in the sense, जैसे हम कहते हैं खच्चर. खच्चर की तरीके से वो इसको establish करते हैं कि दो चीज़ें जहाँ पे वो हॉर्स और एक डोंकी का एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है. सो सिमिलरली वी विल फाइंड सच एन एविडेंस. हम देखेंगे कि जो हर्डिंग थे वो रिकमेंड करते हैं कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्ट्स हैं या ये सब चीजें जो हैं वो खराब होती जा रही है मांडू के पास पास. और पठान्स आने लगे थे. पठान्स आने लगे थे तो एक ऐसा मॉडल क्रिएट हो जाता है स्टेबिलिटी का बहुत हद तक कि यहाँ एक चीज खत्म होती जा रही है. ट्रीटमेंट स्टेबिलिटी आने लगी थी. जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट पॉल का कैथेड्रल जो बना उसमें आप देखोगे एपस्क्ले हाउसेस उसमें हम देखोगे दैट दे आर द वंस ऐसी अर्जी मैग्निफिसेंट मोनिट्रोसिटी मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बट वो ऐसी भी चीजें जहाँ पे आपका एक लोग लिबरेशन है. हॉस्पिटल्स हैं होम्स हैं कैथेड्रल्स हैं दैट बिगेन टू एन इम्पॉर्टेंट रोल. हर्डिंग बहुत हद तक कॉन्फिडेंट थे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए. ठीक है कि एक नया इम्पीरियल आर्किटेक्चर आ रहा था. हाँ उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कोई भी हेसिटेशन नहीं है कहने में कि पूरा भारत कहीं ना कहीं एक नई दिल्ली चाहता था नई सिटी चाहता था है ना. इट्स हर्डिंग सेज दैट आई वाज नो इश्यू दैट द एंटायर होल ऑफ इंडिया पूरा दिल्ली चाह रहा था कि एक नई सिटी आए जहाँ पे था कि कोई भी जो इतना भी मिनिमल मतलब इट्स लाइक कि इट शुड बी अ टाइम बोर्ड और इन द स्टाइल ऑफ मिनिमम ऑफ डेकोरेशन. ये कुछ ऐसा डेकोरेशन होनी चाहिए कुछ प्योरेस्ट हिंदू मॉन्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो रिटेन किए जा रहे हों. तो ऐसे हम देख रहे हैं ऐसे ओपिनियंस एंड ऐसी चीज़ें फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो चुके थे कि एक दिल्ली इज नॉट समथिंग दैट इज कमिंग दैट इज बैकड आउट विद सो मेनी अदर फैक्टर्स. अब इसने बहुत सारा इंटरेस्ट लिया छोटी छोटी चीज़ें करने में. बहुत सारे सिलेक्शन साइट किए हुए स्केचेस बनाए गए सजेस्ट किया गया कि क्या स्टाइल क्या किस तरीके से आर्किटेक्ट्स होंगे फैलेसीज होंगे किंग गॉड का रिलेशनशिप इसमें हम देख रहे हैं इन आर्किटेक्चर में अडेप्ट किया गया. फिर आप देखेंगे जो हर्डिंग है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अब लोगों से लेके आ रहे हैं एक रिवाइज प्लान ला रहे हैं. बिकॉज अगर आप एज वी नो आर्किटेक्ट होता है एक वो पहले प्लान बनाएगा एंड देन ही हैज टू पास इट आउट. बट इनको पास कैसे करना था इनको पास करवाना था अपने रिसोर्सेज के लिए. सो विल सी सचिन थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग. अब इसने अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर्स को कन्विंस किया कि जितने भी किंग्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्ट्रक्चर्स वो कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे थे. इंटरनल डेकोरेशन कन्विंस किया कि इंटरनल जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल हम सिंपल काइंड की करेंगे ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करनी और हर एक पीस हर कैपिटल का को हम इम्पोर्टेंस देंगे. दिस इंग्लैंड इंडिया कैन बी प्राउड कि उससे क्या होगा कि इंग्लैंड और इंडिया कहीं ना कहीं उनके उनको एक दूसरे पर प्राउड हो सके कि इंडिया को भी प्राउड हो कि हमने उनके ऊपर रूल किया था और इंग्लैंड को भी हो कि दैट वी हैव रूल्ड दैट वी हैड मेड समथिंग. सो दिस इज बेसिकली वी विल सी एक इंपीरियल आइडिया सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पे वो पूरा फाइनेंस कर रहे थे कि हाँ हम न्यू दिल्ली का एक नया स्ट्रक्चर लेके आएंगे. बटलर का कहीं ना कहीं ओपिनियन था कि जितना भी ये इंपीरियल की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसको बहुत लंबे मतलब बहुत बड़े स्केल पे करना चाहिए तभी ये इंपीरियल लाइन. इंपीरियल लाइन मतलब कि आपने कोई अपनी एस्टैब्लिशमेंट कर दिया आपने एक बड़ा छोड़ा अपना एम्पायर बना दिया. सो यू हैव टू प्रूव इट आउट. हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो दिल्ली में बनता है कि इंपीरियल आइडियाज का प्राइमरी रीजन क्या था कि आप सबसे पहले कौन कौन सी साइट्स चुनेंगे. ये आप अगर इतना गाइंजेटिक प्रपोर्शन लेना आपने इतने बड़ा आपने सोच लिया कि आप इतना बड़ा ह्यूज स्केल पे सारी डेवलपमेंट करेंगे. सो यू नीड सम लैंड फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स होंगी और वो इग्नोर नहीं करी जा सकती. मतलब दैट इज समथिंग यू विल सी अ मिक्सचर ऑफ इंपीरियल आइडिया तब बनने को आने लगा. अब बटलर क्या कहता है बट आई एम अफ्रेड ही वॉन्ट इज द बिगेस्ट थिंग इन आर टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वो कहता है कि ये सारी चीजें जो सबसे बड़ी चीज क्या होगी इज being spoilt by carried out by a too small a spirit. हम किसी छोटी चीज को ना सोचें हम बहुत बड़ा सोचें.
एक बहुत बड़ी है न्यू दिल्ली, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन और बहुत बड़ी सारी चीज़ों को मिलके ये चीज़ें बन रहे हैं। हम एक इंपीरियल सिटी बना रहे हैं। अभी तक हमने इंडिया बनाया था, इंडिया को हम रूल करना चाह रहे थे, बट अब जब हम सिटी की बात कर रहे हैं तो सिटी इज समथिंग, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको आपको छोटी मोटी चीज़ ना समझें। दिस इज समथिंग दैट कम आउट विद इन डिस्कशन एंड द डिबेट्स। बटलर सेज, बटलर के साथ साथ क्रू जो है वो कहते हैं कि अगर हम इस स्कीम को देखें तो कोई भी लंदन में सजेस्ट नहीं कर सकता कि एक बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। तो हमने जिस तरीके के इंडिया में डेवलपमेंट्स किए हैं, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, सो नाउ दिस इज द टाइम कि हम एक सिटी की जब बात कर रहे हैं तो सिटी भी एक ऐसी ही इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। अब ये माने जाने लगा कि जो गवर्नमेंट हाउस ऑफ कैलकटा है वो कहीं ना कहीं बेस्ट मॉडल है वाइसरॉय मैंशन के लिए। वाइसरॉय जो मैंशन है उसके साथ साथ गवर्नमेंट हाउस ऑफ कैलकटा वो सबसे बेस्ट चीज़ में हो रहा था। सस्टेनेबिलिटी होने लगी, एंटरटेनिंग बहुत हद तक होने लगा, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आइडियल प्लेस बन चुका था। क्रू वॉन्ट क्या मानते थे कि जितना भी इम्पोर्टेंट ये इसका एटमोसफियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट है कैलकटा का, कि एक हैम्पटन कोर्ट और लॉरी जहाँ पे बनाई जा सके, एक बड़े स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाए हैं। पर मॉन्टेग्यू, जिन्होंने मॉन्टेग्यू क्लेंसवर्थ रिफॉर्म्स लेके आए, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री हाउस, फाइन चैम्बर, वो कहीं ना कहीं एक की डिजायर कहाँ से आती है कि पार्लियामेंट्री बॉडी है कि जहाँ पे हम सब कुछ, एक काउंसिल होती है कि जब हम सब आके जहाँ पे कोई भी रिफॉर्म्स डिस्कस कर पाए। अब एक इसको पहले तो आपको पार्लियामेंट को डिफाइन करना है, बिकॉज पार्लियामेंट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड में 17th-18th सेंचुरी में ऑलरेडी आ गई थी, बट अब वो ऐसा ही स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो कहाँ बनाना चाहिए, कितने पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वो वहाँ पे पहुँच पाएंगे, कलर क्या रहेगा, होप्स क्या है उससे जुड़ी। तो ऐसे हम देख रहे हैं पुनर्पादन और डिबेट्स शुरू होने लगी। अब बात आती है कि एक गुड काउंसिल चैम्बर क्या होगा, जहाँ पे विद अ सेपरेट एंट्रेंस, जहाँ पे चैम्बर और वाइसरॉय काउंसिल की दो अलग अलग रास्ते होने चाहिए, तो एक अच्छा रास्ता और एक अच्छी चीज बन पाएगी। सो हम देखने की कितनी माइन्यूस्टिक डिस्कशन हो रही है एक जो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। अब इसकी बात जैसे हमने देखी रही, बहुत लेबर्ड एक्सरसाइज है, बहुत लंबा चौड़ा काम चल रहा है, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे आइडियाज को मिला जुला के इसको हम देख रहे हैं बनाने की कोशिश की। अब लुटियन क्या कहते हैं कि माई आइडियाज टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्किटेक्चर। नाउ एक और आस्पेक्ट था, एक तो आपको उन्हें गवर्नमेंट और ये सारी चीजें तो लानी है, अब उनका अनदर क्या था कि जो ईस्ट और वेस्ट में आर्किटेक्चर में फर्क है उस चीज को मिलाना। वो कहते हैं कि अगर मैं इसको वेस्टर्न आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये बास्टर्ड स्टाइल है, तो अब मुझे इन दोनों को मिलाना है, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वी आर वेस्टर्नर्स और हम जो इन पे रूल कर रहे हैं उनको, कि उनका पब्लिक ओपिनियन है, उनकी बातें हैं, तो हम उन्हें भी नहीं कर सकते। तो समवेयर इट्स अ लेबर्ड एक्सरसाइज कि ये दोनों चीजों को मिलाना। सो नाउ यू कैन ऑल्सो टॉक इट अबाउट कि आपका जो आर्किटेक्चर है ये अमेलगेशन है ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टाइल का, एंड दैट कम्स आउट विद अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टीडियस हार्ड वर्क ऑफ दीज पीपल। वेन यू टॉक अबाउट लुटियन, लुटियन इज नॉट समथिंग दैट कम आउट विद एन ओनली एन ओरिएंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सिर्फ ओरिएंटल का नहीं था कि हम देखें कि ईस्ट की तरफ देखने के लिए था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल और बहुत सारे स्ट्रेंज आइडियाज से फॉर्म हो रहा था। ये कोई मोनोटनस नहीं थे, नॉनसेंस बातें नहीं हो रही थी, इट्स ग्रेट सिंपलर कंसेप्शन जो जुड़े जा रही थी। और जैसे हम देख रहे हैं आगरा और ताज, कहीं ना कहीं ये एक अलग टाइप के लिए उनके लिए अरेंजमेंट था जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे। अगर मुगल आर्किटेक्चर की रूटीन कहते हैं कि हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा क्रम्बलसम था, अच्छे से नहीं बना हुआ था, स्टोन मार्बल्स और बहुत ज्यादा हमने उनको, अब नाउ दे वांट कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस से देखा जाए तो पूरी कंट्री में ऐसे श्राइन मॉस्क टेम्पल थे, बट वो कह रहे कुछ ऐसा नहीं था कि एक वेल सेकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे। ओके सो उनको ऐसा लग रहा था कि जो ताज है वो बहुत हद तक एक ऐसा आर्किटेक्चर बन चुका है जो कहीं ना कहीं पुराना है, एक चार्म है, इफेक्ट है, बट कहीं ना कहीं एफर्नल है, वो अपने रुइंस में, वो खराब हो चुका है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है। बिकॉज एक एम्पायर के साथ एक आर्किटेक्चर की डिग्निटी होती है, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो समय पीपल आर फाइंडिंग कि इसकी जो डिग्निटी है वो खत्म होती जा रही है, जो उसकी चीजें हैं इसके साथ जुड़ी हुई वो बहुत हद तक मिनिमलिस्टिक खत्म होते जा रहे हैं। वो बहुत इसको मानते हैं कि जो वो बहुत गुस्सा खाते हैं, आई कैन से ही वॉज एनॉयड विद द टंग वैगिंग की कहीं ना कहीं इंडियन स्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, बट ये सिर्फ क्या है, इट्स एक्चुअली कम आउट विद मशरूम डायनेस्टीज, इतनी छोटी 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 डायनेस्टी से आए, तो इनका कोई इंडियन आर्किटेक्चर एक फ्रेज नहीं है।
हाँ, जब अब इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि एक ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्किटेक्चर का अमेलगेशन है, तो दे आर कमिंग अबाउट कि मुगल लेना है, हिंदू लेना है, इंडियन लेना है. तो एक बहुत एक्सेप्टेड लाइन थी इंडिया आर्किटेक्चर को डिफाइन करना कि कौन सा आर्किटेक्चर है. उसमें वो ताज को एक ऐसा आर्किटेक्चर बता रहे हैं जिसमें वो रुइंस हैं, पैची वर्क है. तो ऐसे अलग अलग हमें देख रहे हैं कि कमेंट्स होते हुए देखने को मिलती है कहीं ना कहीं कि वो ये जो सारे आर्किटेक्चर है वो क्या कहते हैं कि एक सिमेट्री नहीं है. जैसे बच्चों की बच्चे एक एक दीवार पे एक ईंट पे ईंट नहीं लगाते, वैसे ही फाइंड्स की वैसे ही एक ईंट पे ईंट लगाई गई है और कोई सिमेट्री नहीं है. बस जानबूझ के स्टोन्स मारो, बस कहीं भी घुसा दी. तो सच एक्चुअली स्पेंड कुतुब मीनार को कहते हैं कि ग्रीक कॉलम्स का कंपैरिजन किए, तो वो भी एक बस ऐसी कोई आर्किटेक्चर उठाया और बना दी. समवेयर दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू वो कमिंग आउट विद देयर ओन रूट्स, अपनी आर्किटेक्चर से ला रहे थे, बट बहुत मिनिमलिस्टिक और बहुत खरा. ठीक है, नाउ इंडिया की बात करती अगर हम करें तो इट्स वेरी ट्रॉय, इट्स प्री फ्यूडल. बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रॉयक पार्ट था. हार्डिंग कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करते हैं इस पूरे आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग को ध्यान से देखने की और एक प्रॉपर एक उसका टेस्ट मेंटेन करने के लिए. वायसराय की पूरी डिजायर रहती है कि एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाए जिसमें इट वुड नेवर बी अ मीनिंगलेस सेंटिमेंटैलिटी, कि एक ऐसा आर्किटेक्चर हो जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन पाए. कि लुटियन कहते हैं कि वन कैन नॉट गेट एनीथिंग दैट माइट बी टर्म इंडियन फॉर, मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं कि यहाँ पे कैस कहा जा सकता कि इंडियन है. इतना डाइवर्स है कि एक को लेके आना बहुत मुश्किल उनको पाया गया, क्योंकि अगेन अगेन आई सेइंग दिस इज समथिंग एन अमेलगेशन, पर ये एक हाथ उनके लिए कुछ था ही नहीं. वो बहुत अलग अलग चीजें थी. वेस्टर्न तो उनके लिए क्लियर है कि उन्हें एक ट्रॉय जैसी सिटी बनानी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी वहां की थी. नेक्स्ट है हम जब बात करते हैं दैट इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ ब्यूटी. अब नॉट ओनली दिस दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ऐसा ऐसी ऐसी उन्हें सौंदरता बनानी थी, ऐसी ब्यूटी जो एवर लास्टिंग हो, पूरी जिंदगी तक हमेशा लोग उसको याद रखेंगे, यहाँ ये आर्किटेक्चर बना के आए थे. क्योंकि जब भी कोई डायनेस्टी आती है तो उनकी माइंड में यही होता है कि दैट दे क्रिएट सच एन आई थिंग, कि वो पूरा हमेशा उनका आर्किटेक्चर और उस चीज को सिग्निफिकेंट हो. जैसे डेडोफिल, द डेफोडिल वॉज लुटिन पॉइंटेड आउट ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ. अगर डेफोडिल को देखा जाए तो वो अपने आप में ही बहुत सुंदर है, सुंदर होते हैं. हाँ, वैसे ही वो कहते कि हमें एक ऐसी ऐसी स्टार्ट बनानी थी, कि ऐसी सिटी बनानी है जो अपने आप में ही सुंदर हो. डेफोडिल्स बेसिकली हम देख रहे हैं एक येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो दे आर द वंस. तो वो कहते कि हमें ऐसे ग्रेट ट्रेडिशन चीजें लेके आएंगे. देन इज समथिंग दे वॉन्टेड टू वर्क आउट वेरी मेथडोलॉजिकली, कि एक चीज जो चीज इंडियन स्टाइल में नहीं है, नाउ दे वॉन्टेड टू ब्रिंग इट. आप अगर दो चीजों का एमलगेशन तभी होता है कि जब एक चीज की कमी तो वो दूसरी चीज आके पूरी करती है. तो हम देखते हैं कि ये जो दूसरी चीजें हैं वो पूरी कर रहे थे. ठीक है, अब हम देखें अगर एक इस टाइम पीरियड पे एक ऐसा आर्ट का वर्क पूरा हो रहा था जो एक पोएट की नीड थी, और बहुत सारे हम देख रहे हैं सेंटेंसेस और एक्सप्रेशन इसमें आ रहे थे. ठीक है, अगर हम देखें इट मस्ट बी समथिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ आर्टिस्टिक एंडेवर, क्योंकि अगर ये ब्यूटी क्रिएट करनी है, ये इसलिए हो रहा था दैट दे वांटेड टू फिनिशियसली वांटेड टू परस्यू दे आर्टिस्टिक स्किल्स. वो एक लेटर में बेकर लिखते हैं कि ये जो हार्ड लेबर है, हार्ड थिंकिंग है, हम हर डायमेंशन पे सोचने की कोशिश करेंगे कि जितना भी स्टोन है उसको मेंटली हैंडल हो, कि वो हम लगा तो स्टोन को रहे हैं फिजिकली, पर वो दिखना एक मेंटल लाइंस पे चाहिए कि उसका एक्चुअली में वो हम दिमाग में दिखाएं. ठीक है, तो हम उसको सिंपथी से दिखा पाएं और हम न्यू केयर और इन्वेंशन से नई चीजें ये लेके आ पाए. ठीक है, लुटियन कहीं ना बहुत बहुत एडमेंट रहते हैं. एडमेंट मीन्स वो अपनी बात को बहुत फोर्सफुली पुट करते हैं बिना क्योटिक आर्किटेक्चर यूज करने के लिए, कि जैसा भी है बस कोई चीजें मतलब इज लाइक चीजों को ध्यान ना देना और सब कुछ मिक्स कर देना, बिकॉज ऑलरेडी उनको इतना इंडियन आर्किटेक्चर इतना ज्यादा डाइवर्स था, उसको मिक्स कर देना. बट वो नहीं किस चीज के लिए बोल पाते, वो बींग अ योर्कशायर इन योर्कशायर, वो एक यूरोपियन सिटी बना रहे थे और एक यूरोपियन के अंदर, तो दो ऐसी मतलब इट्स लाइक ओवर थिंकिंग मशीन, वो अपने दिमाग से नहीं लेके आ पाए. बट वो उसके लिए उनको बुरा भला नहीं बोला जाता. समटाइम्स दे आर ऑल्सो यूजिंग ग्रीक और ऐसे पुराने आर्किटेक्चर
जो वो यूज कर रहे थे. सो डिजाइनिंग और थिंकिंग की हम बात करें, लुटियन एम्फोसाइज करते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली सोशल स्पेशलाइज वर्क लेने लिए है, दैट इज सुपर सॉट. सुपर सॉट मीन्स ऐसे जो बिल्कुल सुपर, एक अलग तरीके से जो हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाए, हम उनको देख पाए कि एक प्रॉपर यहाँ पे पर्टिकुलर फीचर्स होते जा रहे थे. अब हम बात करेंगे, जब ये डिबेट्स चल रही थी, जब ये आइडियोलॉजीज चल रही थी, जैसा कि आपका ये यूनिट बताता है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस भी थी कुछ. एक्सट्रीम पोजीशंस कैसे? लुटियन एम्बिवेलेंट कंसेप्शन ऑफ आर्ट एंड सोसाइटी. अब एक तरफ हम देखेंगे कि लुटियन का मतलब लुटियन का बहुत ज्यादा क्या था कि इज लाइक ही वॉन्टेड टू क्रिएट न्यू डेली That is with the renowned architect, क्योंकि उसमें उनका भी नाम था. Now एक तो होता है कि हम सिर्फ structure create करना चाहते हैं, हम अपना भी नाम. So renowned architect already हैं, तो वो अपनी arguments को defend कर रहे हैं अपने colleague bakers. तो ये दो debate के बीच में actually में हो रही है. एक तरफ Lutyens है जो कहीं ना कहीं extreme position अपनाना चाहते हैं. वो चाहते हैं, देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा, वो अवेयर है कि इसकी जो एक्सट्रीम पोजिशन है उसकी लिमिटेशन है. वो मानते हैं कि जो रेशनैलिटी है, ऑर्डर एंड प्रायोरिटी है, ये इसको हम खत्म नहीं कर सकते. हर एक लाइन, हर एक कर्व जो बेकर को बताते, वो हमारी क्या है, वो हमारी सोच का निर्माण होना चाहिए. तो इतना ज्यादा इस चीज में इम्ब्यूड हो जाते हैं. ठीक है, अब चरम स्थिति एक तरफ तो है जो लुटियन ने अपनाई. अब लुटियन कहीं ना कहीं हर साइड को बहुत तरीके से ले रहे हैं. ही वॉन्टेड क्या कर चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट, नेचुरल सराउंडिंग, ड्राइंग बोर्ड, सब कुछ एक एक तरीके से लेके आ पाए, एक अलग तरीके का टेक्सचर ला पाए अपनी चीज में. कि कैसे बिल्डिंग बनेगी, के ठीक है, कैसे बेकर को हम देख रहे हैं कि वो एक बिल्कुल रेगिस्तान नहीं बना रहे, पर ऐसा बना रहे हैं कि जहाँ पे छोटे छोटे सेंटर्स पावर के एमर्ज हो रहे हैं. अब लुटियन की अगर हम बात करें तो लुटियन सबसे ज़्यादा जो हाइएस्ट अटेनमेंट है यूरोपियन आर्ट का, वो पाते हैं ग्रीक आर्ट में. तो जॉन रस्किन उनके लिए एक आइडियलाइज्ड वर्जन. समवेयर हम देख रहे हैं कि ये जो आर्ट और आर्किटेक्चर में वो डेवलप कर रहे हैं, वो रस्किन का ही आर्ट कर रहे हैं. ऐसे कि डेजर्ट्स, रोलिंग डेजर्ट्स को बना रहे हैं दीवारों पर, एक गॉर्जियस कल्चर और मार्बल्स का आपको अफिक्सेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है. लुटियन फर्स्टवर्डर हमें क्या पता चलता है कि जितना भी आर्किटेक्चर, इट समवेयर, इट्स नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम बिलो. सबाल्टर्न स्टोरी हिस्ट्री नहीं है जो नीचे से देखी जाती है. अगर हम देखें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द एलिटिज्म, कि एलीट कल्चर. ऊपर से एंजाइटीज, टेंशन आपको देखने को मिलेंगी, पर हम देखेंगे जो इसकी ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हार्श नहीं है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मास कल्चर हमें इस चीज़ों में देखने को मिलता है. वो रिकोगनाइज करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे रेशनैलिटी, ऑर्डर, प्रायोरिटी और इट्स लाइक समथिंग, वो क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि एक सही सोच, एक प्रॉपर ऑर्डर, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपनी कल्चर को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी देना, फालतू की जो रिजेक्ट करना है इम्पल्सिव आइडियोलॉजी और ऐसे एक्सीडेंटल डिसीजंस को, एक चीज पे खरे उतरना, दैट कम आउट विद द लुटियन आइडियोलॉजी. अब जो हम बात कर रहे हैं तो ही इज एन एक्लेक्टिक, बेसिकली ही वाज एन एक्लेक्टिक आर्किटेक्चर विजन हम देखें. अब हर्बर्ट बेकर का था, ही इज वेरी एक्लेक्टिक. अब वो कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहे, एक्लेक्टिक मतलब मिस्टिकल. तो अगर हम बेकर समवेयर वो थियोरेटिकल, वो कह रहे हैं कि थ्योरी के लिए चलो, वो ऐसे एक्सट्रीम नहीं है बस हर एक चीज में हमारी आइडियोलॉजी, नो. वो कहते हैं कि कैसे पॉलिटिकल प्रिंसिपल, जैसे रोड्स, माइनर, कर्टिस थे, इन लोगों की ने अपनी आइडियोलॉजी को रखा. वो कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर फॉर्म्स, जैसे क्लासिकल स्टाइल देखो, हाँ वो लो. तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लो, जैसे लुटियन उठाया, कुछ भी नहीं, प्रॉपर हमें आर्किटेक्चर लेना है, कुछ प्रॉपर स्टाइल्स को ही हमें फाइंड करना है. बेकर फर्दर एडवोकेट क्या करते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक आर्किटेक्चर अल्केमिस्ट बने. आर्किटेक्चर अल्केमिस्ट जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको मिक्स करो. सिर्फ एक एक्सट्रीम मतलब कि आपको लुटियन की तरह की सिर्फ आपको अपनी आइडियोलॉजी लानी है, नो. आपको उन सबके आइडियोलॉग को पार्टिसिपेट करके और हमें उन सबकी चीजों को हम देखते हैं, उनको दिखाने की कोशिश की गई है. फिर बेकर कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिट ऑफ लाइफ, ग्रोथ, मतलब इज लाइक एक हर एक चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. स्पिरिट ऑफ लाइफ थी, ग्रोथ को, सबको, कि एक अब
हम अगर न्यू सिटी बना रहे हैं तो न्यू सिटी मतलब एक कंटिन्यूस चेंज आएगा। और देखो इट्स नॉट न्यू दिल्ली जो आज आप देख रहे हो, एक सिंपल दिल्ली नहीं है। दिल्ली एक अलग अलग प्रकार के अलग अलग विजन से हमें देखने को मिल रही है। अब इसके साथ साथ हम देखें तो बेकर ने कहीं ना कहीं एक ऐसा बनाया कि जहाँ पे ये बिकॉज दिल्ली तक का अटा, अगर हम देखें हम इंपीरियल आर्किटेक्चर बना रहे हैं, हम 2000 साल पहले अलेक्जेंडर आए थे और अलेक्जेंडर के बाद अब हम आए हैं दिल्ली पे रूल करने के लिए, तो हम इतने पुराने रूल को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, हम ऐसे को बनाना है। बेकर ने कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन से वो डिसअग्री करती है, जो बात थी कि जो क्लासिकल आर्किटेक्चर को हमें नहीं अडाप्ट करना चाहिए। क्लासिकल आर्किटेक्चर ग्रीस का अडाप्ट करने का इंडिया में क्या कारण था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो दिखाएंगे कि हमने तब से अब तक इन पे इनका हम कहीं ना कहीं हमारा डोमिनेंस है, शासन दोबारा हम रिकैप्चर कर पाए सिटी को, और अब मॉडर्न मेथड्स मटीरियल्स हमारे हैं। सो इट्स अ रेंज ऑफ थिंग्स दैट दे आर कमिंग ऑन, कि एक कंसेप्शन नहीं आइडियोलॉजी का, बट अलग अलग चीजें, कि अब रोम ने भी इन्फ्लुएंस किया है। रोम ग्रीक तब लोग ये आए थे, हम लोगों ने तब कोई आर्किटेक्चर नहीं बना पाया, कोई स्टे नहीं कर पाया, अब हम वो बना के जाएंगे जो दिल्ली पे हमेशा एक परमानेंट इसकी वास्तुकला पे रहेगा। अब पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की बात करें और आर्किटेक्चर हर्बर्ट बेकर जब बात करते हैं तो वो न्यू एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। बेकर मानते हैं कि जो इंडियन सेटिसमेंट जो इंडियन की सेंटिमेंट्स हैं, अब अगर हम उनको मिथ सिंबल्स और हिस्ट्री से क्लासिकल आर्किटेक्चर में डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बात नहीं बनेगी। अगर हम महाभारत की स्टोरी एक तरफ बनाएंगे और एक तरफ इनका क्लासिकल आर्किटेक्चर, तो वो कह रहे हैं इट्स समवेयर बहुत क्योटिक हो जाएगा। अगर हमें देखना है तो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, छज्जास, जालीस, छतरीस, वो हमेशा इनका वो निकाल वो हमें जरूर डालना है, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी बेसिक। ये इनका प्रॉपर बेसिक आर्किटेक्चर है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेकर और लुटियन कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो इंडियो सारसेनिक कल्चर मतलब बेसिकली द मुगल एंड द जो आपका आर्किटेक्चर है वो उसमें ऑब्जेक्शन है, उसमें प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकली वो है, उसमें कुछ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और इसी चक्कर में वो अपना क्लासिकल आर्किटेक्चर दैट इज ग्रीस का जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है उसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि साथ साथ अब क्या होगा कि उस तरीके से वो पॉलिटिकली हमारा खुद का उनका एक्सप्रेसिव वो अडॉप्ट कर पाएंगे। जितने भी चीजें होंगी वो मानते हैं, उन्होंने कोशिश की दैट एवरीथिंग स्टैंड्स ऑन हाई प्लेटफॉर्म। जो भी वो आर्किटेक्चर बनाएंगे दैट इज समवेयर वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा कोई फ्लैट रूफ में आपने शुरू किया, हमेशा ऊंचाई होगी कि उसको बेस देंगे, देन दे विल क्रिएट इट। वाइसरॉय हाउस की अगर हम बात करें तो इट्स समवेयर जिल्लुल्ला, ये हमेशा एक आर्कोपोलिस और हमेशा के लिए ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बेकर की आप बात करेंगे इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं लुटियंस का जो एलिमेंट्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं और एक उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट माना जाता है, कि लुटियन कहीं ना कहीं बाद में और बेकर इन दोनों को मिला के जो भी बनता है वो एक कॉम्प्रोमाइज वर्जन बनाया जाता है। दो इंपीरियल एम्बिशंस थे जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन जर्नी पे था इस वक्त अपने एम्पायर बनने की। अगर हम देखें न्यू दिल्ली की तो इट एक्चुअली कम आउट अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। ये एक ऐसे टाइम पीरियड पे शुरुआत हो रही है जहाँ पे क्राइसिस ही है, कलकत्ता का पता नहीं, एकदम से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे हैं हो रही थी रेजिना हिल्स पे, लोग एक अपनी इंपीरियल आइडियोलॉजी थी जहाँ मिडिल क्लास थे, इंपीरियलिस्ट थे, तो उनके लिए एक एम्पायर अलग तरीके से बनाना था। गवर्नमेंट हाउस है उसको एक पॉलिटिकल आइडिया से बनाना है, डिस्पाइट हम देखते हैं कि लुटियन बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं वाइसरॉय और बेकर के डिजाइन पे, पर एक दोनों का कल्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं राज का सिंबलाइजेशन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इनकी आइडियोलॉजी में, और फोकस हम देखेंगे एक ऐसा सोशल मिशन देखने को मिल रहा है कि हाँ दैट नाउ अब उन्होंने शुरुआत कर दी कि समझौता हो गया है दिल्ली से अपना एक एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करने का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो इट्स पेनस्ट्रेकिंग, एक घंटा तुमने मुझे सुना, आई एम सो सो थैंकफुल फॉर यू। बट गाइज ये यूनिट 2 से हमारा पूरा कवर होता है। कोई भी क्वेरीज हो कुछ भी हो कमेंट करिए, आई डेफिनेटली रीच बैक टू यू पीपल, आई ट्राई टू अपलोड वीडियो सून, जस्ट गेट थ्रू विद दिस। लव यू गाइज, सी यू सून।